आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। ओमपुर कॉलोनी में सुहागिनों ने रखा वट सावित्री का व्रत, वट वृक्ष में बांधा रक्षा सूत्र। पति की दीर्घ आयु के लिए किए जाने वाली वट सावित्री की पूजा कोरबा में धूमधाम से की गई। जिले के अलग अलग इलाकों में सुहागिनों ने वट वृक्ष के चारों तरफ रक्षा सूत्र बांध कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगा। रजगामर के ओमपुर बाजार के पास भी विवाहित महिलाओं ने वट सावित्री के व्रत का अनुसरण किया। कहा जाता है कि यमराज से डरकर सावित्री ने अपने पति की जान बचाई थी। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर सुहागन इस व्रत को करती है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो। कोरबा रजगामर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। मेरा नाम गीता सोनी है। हम सभी यहाँ वट सावित्री पूजा करने आए हैं और यह पूजा कल भी था और बहुत लोग आज भी हैं। यहाँ बरगद और पीपल का जो पेड़ रहता है ना, वहाँ पे पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा किया जाता है। इसमें पूजा का पूरा सामान और जितना श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ाया जाता है। फल और चना दाल और बर्रो सब चीज़ रहता है और एक पूजा करके 108 बार में चक्कर लगाते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।